Hello everyone, I am back with the 10th lecture of the chapter The Enemy from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed that the prisoner is now conscious and Sadao is coming time to time to examine the prisoner. And when he meets the prisoner, the prisoner asks Sadao that what is he going to do with him? Is he going to hand him over? But Sadao has no answer because he has not decided it yet that what is he going to do with the prisoner. So he does not answer him. He tells him that I am also not sure that what will I do with you. Now we also saw that the servants are kind of a problem here. They are not happy with their master. They are comparing Sadao and his father. The gardener is comparing his father and Sadao, and they are trying to portray that the master or Sadao's father, the old master, the Sadao's father would have done nothing like that, and Sadao is saving the life of an enemy, which is not right. So they are comparing Sadao with his father, and they are deliberately saying some things that should threaten Hannah. But Hannah does not care that the prisoners are saying some of the things, but she does not care because she is also in dilemma. She does not know. On one hand, she thinks that the servants are right, they might be right, but she also knows that she cannot hand the prisoner over to the Japanese government, because this is what humanity is. This is what humanity is, and she cannot do anything like that. Now we will see what happens next in the chapter. She had to come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." Okay, so we saw that Hannah is not sentimentally attached with the prisoner, but she वो sentimentally attached नहीं है prisoner से. वो ऐसा नहीं है कि बहुत उसको लगाव हो गया है उसका. वो as a human, उसमें उस Hannah में humanity है, इसी वजह से उस ऐसा नहीं है कि वो भावुक हो रही है. नहीं, उसमें humanity है, इसीलिए वो as a human सोच रही है कि उसको उस प्रिजनर के साथ क्या करना चाहिए. और वो अभी उसने ऑलरेडी देख लिया है कि वो एक 17 साल का ही लड़का है, प्लस उसको ऑलरेडी उसके दिमाग में ऑलरेडी ये है कि उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था. तो कल तक तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी उसको, लेकिन आज उसका अफेक्शन, उसका लगाव थोड़ा उस प्रिजनर के साथ बन गया है, क्योंकि शी इज़ अ मदर, उसके भी बच्चे हैं और वो लड़का सिर्फ 17 साल का है. तो उस हिसाब से उसके लिए एक अफेक्शन है हैना के मन में. तो कल तक तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी उसको, लेकिन आज और स्पेशली जब उसने उन दोनों के बीच में बात चल रही थी, वो लोग रूम में गए होंगे, हाना प्रिजनर के कमरे में जाती है तो वो उन दोनों में बातचीत चल रही होती है, क्योंकि जो प्रिजनर है वो ऑलरेडी थोड़ा सा उसका मूड ख़राब है, क्योंकि सदाव से उसने पूछा तो सदाव आंसर नहीं करता है कि वो क्या करने वाला है उसके साथ. तो सदाव इस बात का कोई जवाब नहीं देता है. और यहाँ पर इन दोनों में जब बातचीत चल रही है तो इम्पल्सिवली ऐसे बिना सोचे सदाव ने तो उसको अपना नाम बताने से भी मना कर दिया था कि प्लीज़ मुझे अपना नाम मत बताना, क्योंकि नाम बताने से या जान पहचान बढ़ाने से एक तकलीफ़ बढ़ेगी, अटैचमेंट बढ़ जाएगा, और अटैचमेंट बढ़ने के बाद जब वो उसको हैंडओवर करेगा तो तकलीफ़ होगी दोनों को. तो इसीलिए सदाव नहीं चाहता ये. लेकिन इन हैना और प्रिजनर में जब बातचीत चल रही थी तो धड़ल्ली से अपना नाम बोल देता है कि माई नेम इज़ टॉम. और इसका अटैचमेंट देखो यहाँ पे, इसीलिए हैना नहीं चाहती है. अब नाम बता दिया, और नाम बताया होगा तो और भी चीज़ें दोनों में बातचीत हुई होंगी, तो अटैचमेंट हैना का उसकी तरफ बढ़ गया है. शी हैड ओनली बाउड हर लिटिल डिस्टेंट बाउ. जब वो अपना नाम बताता है, क्योंकि ही नीड समबडी टू टॉक, उसको कोई चाहिए, उस प्रिजनर को, उसने इतने दिनों से मे बी किसी से बात नहीं की है तो उसको चाहिए कि कोई उससे बात करे. तो वो खुद ही ज़बरदस्ती वो बात करता है, इम्पल्सिवली बिना सोचे समझे वो उसको अपना नाम बता देता है हैना को बातचीत में. और हैना दूर से ही अपना बस सर हिलाती है, डिस्टेंट दूर से ही, ठीक है, बस सर हिलाती है. शी सॉ हर्ट इन हिज आइज़. लेकिन जब वो देखती है कि जो प्रिजनर है
उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है हैना की तरफ से जब वो अपना नाम बताता है तो हैना देखती है कि उसकी आंखों में दर्द दिखाई दे रहा है कि मेरे साथ कोई बात करने भी वाला नहीं है. शी सॉ हर्ट इन हिज आइज, उसकी आंखों में वो तकलीफ दिखाई दे रही थी. बट शी डिड नॉट विश टू असवेज इट, लेकिन हैना उसके साथ ज़्यादा सिंपथी नहीं दिखा सकती थी. असवेज का मतलब होता है शांत करना. हैना ने देखा कि वो तकलीफ़ में है, उसको बुरा लग गया क्योंकि हैना ने उसके बात पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया. ये बात हैना ने देखी लेकिन वो उसको और ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसको शांत नहीं करती है, उसको और सिंपथी नहीं दिखाती है. इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस. और उसको फिर समझ में आता है कि तकलीफ़ उसे भी है तो हम लोग को भी आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है. सचमुच ये एक बहुत बड़ा परेशानी है हम लोगों के घर में फ़िलहाल, क्योंकि वो आदमी उनके घर में रह रहा है, जिस दिन से रह रहा है उस दिन से सिर्फ परेशानियां ही हैं और अभी भी खतरा टला नहीं है, वो मंडरा ही रहा है इनके सर पे. तो वो बोलती है कि ठीक है तुम्हारी आंखों में तकलीफ़ है लेकिन मुझे हम लोगों के सर पे भी तो इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, हम लोग भी तो परेशानी में हैं. और वो उनके घर में वो भी है तो ऐसा नहीं कि वो सुरक्षित है, वो भी तो परेशानी में है क्योंकि कभी भी जापानीज़ के गवर्नमेंट के कोई भी लोग आ सकते हैं घर में या उनके सर्वेंट्स कभी भी उनको बिट्रे कर सकते हैं. तो वो खुद भी वो आदमी भी उनके घर में पूरी तरीके से सेफ नहीं है. एज़ फॉर सदाओ एवरी डे ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली. मैंने आपको बताया कि सदाओ एज अ डॉक्टर वो हर दिन उसके घाव को क्या करता था, एग्जामिन करता था, उसकी जाँच करता था. द लास्ट स्टिचेज हैड बिन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग. और फाइनली उसका उसके घाव का जो आखिरी स्टिच था वो आज लग गया, मतलब वो स्टिच लगाने के बाद निकालना भी पड़ता है तो उसको पुल कर लिया, यानी कि आज वो पूरी तरीके से स्टिच ख़त्म हो गया है. सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस केयरफुली और सॉरी एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर. और अब उसके जब उसका जब स्टिच अब खुल गया है, यानी कि स्टिच करने के बाद उसको हटाया भी जाता है, तो वो जब अब हो गया है उसके बाद भी तो घाव को भरने में टाइम लगता है, तो उसके बाद भी अब 14 दिन, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज, यानी कि अभी भी 14 दिन उसको ठीक होने को लगेंगे. ठीक है, क्योंकि सदाओ रोज़ जाता है उसके घाव को चेक करता है, अभी 2-3 दिन बीते थे और उसके बाद अब जब उसके स्टिच खुल गया है उसका, तो फिर उसके बाद भी उसको 14 डेज यानी फोर्टनाइट मींस 14 डेज लगेंगे उसको ठीक होने में, वो पहले के जैसा भला चंगा हो जाएगा. सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप द लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर. सदाओ अपने ऑफिस जाता है और बहुत सावधानी से वो एक लेटर टाइप करता है और वो किसको करता है, चीफ ऑफ पुलिस को करता है, जिसमें वो सारा मैटर को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, सारे मैटर को बारीकी से लिखता है क्योंकि अब समय है, वो जब ठीक हो जाएगा तो उसको हैंड ओवर भी करना है, वो लोग उसको घर में नहीं रख सकते, ये गद्दारी होगी. और अभी तक तो पार्शियली उन्होंने अपने देश को चीट किया ही है और अब उसके ठीक होने के बाद भी उसके साथ सिंपथी दिखाना या उसको अपने घर में रखना उनके हिसाब से ये गद्दारी होगी, इसीलिए वो तुरंत ऑफिस में जब जाता है फर्स्ट डे तो वो टाइप एक लेटर टाइप करता है और अब चीफ ऑफ पुलिस को वो सारा मैटर लिखता है. ऑन द 21st डे ऑफ फेब्रुअरी एन एस्केप प्रिजनर वॉज वॉच्ड अपॉन ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. और वो लिख रहा है, उसके पहले कुछ लाइन्स ऐसे हैं कि 21st डे ऑफ फेब्रुअरी यानी कि 21st फेब्रुअरी को मेरे एक भागा हुआ प्रिजनर, एक कैदी, वो मेरे घर के बाहर और अशोर यानी कि समंदर के किनारे पाया जाता है, बहता हुआ मिलता है. सो फार ही टाइप्ड एंड देन ही ओपन अ सीक्रेट ड्रॉर of his desk and put the unfinished report into it. अब लिख तो रहा था, टाइप कर रहा था, तो पहले टाइपराइटर में टाइप किया जाता था, तो जितने दूर आप टाइप करो उसके बाद फिर आप वापस से उस पर टाइपिंग कर सकते हो, शुरू कर सकते हो. तो पता नहीं वो रुक जाता है और रुक के वापस से वो अपने एक सीक्रेट ड्रॉर है उसके डेस्क में, उसको खोलता है और उस रिपोर्ट को, उसके अंदर अनफिनिश्ड रिपोर्ट को, यानी पूरा टाइप भी नहीं करता है, सिर्फ एक लाइन टाइप करके वो टाइपिंग बंद कर देता है और अपना सीक्रेट ड्रॉर को खोलता है जिसमें उसको अनफिनिश्ड रिपोर्ट को वो अंदर डाल देता है. On the 7th day after that, two things happen. अब जिस दिन वो रिपोर्ट लिख रहा था उससे 7वें दिन दो चीज़ें होती हैं. In the morning, the servants left together.
जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि सर्वेंट्स जो थे एक तो कोऑपरेटिव नहीं थे, ऐसे तो बहुत कोऑपरेटिव थे लेकिन उस सिचुएशन में वो लोग इनका साथ निभाने को तैयार नहीं थे, वो लोग इनका साथ देने को तैयार नहीं थे, और जिस बात का डर था कि ये लोग कभी भी काम छोड़कर चले जाएंगे वही हुआ कि सातवें दिन, उस दिन से सातवें दिन ये हुआ कि सारे नौकर एक साथ घर छोड़ करके चले जाते हैं सुबह सुबह. Their belongings tied in large square cotton kerchief. उनके उनका जो सारा सामान था ऐसे जो कपड़े का जो ऐसे बनाया जाता है जैसे सामान को बीच में रख करके इधर से ऐसे टाई कर दो इधर से ऐसे टाई कर दो, तो उसको कॉटन kerchief, स्क्वायर कॉटन बड़ा सा कॉटन kerchief जैसे हैंकर चीफ होता है वैसे एक स्क्वायर सा बड़ा सा कपड़ा ले लो और यहाँ पे सामान रख दो फिर इधर से टाई करो फिर इधर से टाई करो, तो वो उसको कॉटन kerchief बोला जाता है. इस तरीके से उन्होंने अपने सामान को बांध रखा था. When Hannah got up in the morning, nothing was done. हैना सुबह उठती है तो ऐसे हैना को आदत है कि सुबह सुबह वो उठ रही है अगर तो चीज़ें कुछ कुछ की हुई मिलती हैं, जैसे चाय बना हुआ है, घर की सफाई चल रही है वगैरह वगैरह चीज़ें, अपने अपने काम पे सारे नौकर लगे रहते हैं, आधी चीज़ें हो चुकी होती हैं. लेकिन आज जब हैना उठती है तो कुछ भी किया हुआ नहीं था, नथिंग वॉज डन. द हाउस नॉट क्लीन, खाना नहीं बना, सॉरी घर साफ नहीं है. द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, खाना नहीं बना हुआ है. एंड शी न्यू व्हाट इट मेंट, और वो समझ जाती है कि आखिर क्या चल रहा है घर में, क्योंकि वो इस दिन के लिए प्रिपेयर्ड थी. उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था बैक ऑफ हर माइंड कि ये लोग किसी दिन हम लोग को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से उनके मास्टर गद्दार हैं, उनके मालिक, उन्होंने गलत किया है और वो लोग इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे. शी वॉज डिसमेड बट इवन टेरिफाइड, वो बेचैन हो जाती है, डिसमेड. और बेचैन होने के साथ साथ वो टेरिफाइड भी होती है, डर भी जाती है बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो एक तो वो बेचैन हो गई ये सब देख करके कि ये लोग छोड़ करके जा रहे हैं, और डर जाती है. डर किस बात से है कि कहीं ये लोग पुलिस के पास ना चले जाएं यहाँ से जाके, ये बात का डर था इन लोगों को. और अब उसका आधा देखा तो शुरुआत हो चुकी है, ये लोग घर छोड़ करके जा रहे हैं सारे नौकर. बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन वो है मालकिन, वो एक मिस्ट्रेस है, तो वो उसका जो प्राइड है यानी कि उसकी उसका जो सम्मान है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है कि उनके सामने वो गिड़गिड़ाए या बोले या अपना डर दिखाए. ठीक है तुम लोग जा रहे हो जाओ, मुझे ठीक है, मैं तुम लोग को रोकने नहीं वाली हूँ. इस तरीके से वो अपने आप को बांधे रखती है, वो शो नहीं कर रही है कि तुम लोग के जाने से हम लोग को डर है या किसी बात का, क्योंकि जिस बात का डर होगा होता है ना कि लोग अगर आपकी कमज़ोरनेस को पकड़ लेते हैं तो वो आपका आपके लिए और ख़तरा हो जाता है. तो यहाँ पे ये शो नहीं कर रही है कि हम आप नौकरों से मुझे डर है हम लोगों को कि आप लोग कहीं जाकर कंप्लेन ना कर दो, ये बात वो नहीं जता सकती है कहीं पता चला कि सच में ऐसा ना कर दे वो लोग. इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली वेन दे अपीयर्ड बिफोर इन द किचन and she paid them off and thanked them for all they had done for her. जबकि वो उसका opposite करती है कि जब वो लोग जा रहे होते हैं तो वो किचन में she inclined her, inclined का मतलब वो झुकती है अपने आप को, मतलब thank you ये करने के चक्कर में, आई मीन एक एज अ जेस्चर, वो एक जेस्चर करती है कि जिससे ये पता चले कि वो थैंकफुल है उन लोग के लिए. हर हेड ग्रेसफुली बहुत अच्छे से अपने सर को झुकाती है, इंक्लाइन करती है मतलब झुकाती है कि ठीक है यहीं तक हमारा साथ था, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, ऐसे करके. और वो किचन में उनके पास जाती है और उन लोगों को पैसे पे कर देती है, जितना जितना जिनका जो बनता था, जितने जितने उनके उनके कमाई के हिसाब से जो उनके पैसे हुए थे वो उनको पे करती है, और उनको थैंक भी बोलती है, थैंक यू भी बोलती है कि उन्होंने अब तक जो किया, जितना किया, जितना दिन उनका साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. दे वर क्राइंग, सारे के सारे रो रहे थे, उनको भी मन नहीं था क्योंकि वो लोग बहुत लॉयल थे, वो लोग बहुत ज़्यादा केयर करते थे उन लोगों की, लेकिन बस एक चीज़ जो थी जो वो लोग जिसके खिलाफ थे, तो ऐसा नहीं था कि वो लोग इनसे प्यार कम करते थे या उन लोग को मानते नहीं थे, लेकिन बस ये लोग अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते थे. और अगर इनके मास्टर्स पे कोई खतरा आता है तो इनके नौकरों पे भी खतरा आएगा, तो इस बात का भी डर था उनको कि कहीं हम लोग पे भी ये बात उल्टी ना पड़ जाए, इसीलिए उनका साथ नहीं दे रहे थे. लेकिन दुख तो इनको था ही कि हम छोड़ करके जा रहे हैं हम लोग, तो बट शी डिड नॉट क्राई, वो लोग उनके सामने रो रहे थे लेकिन ये नहीं रोती है, हैना नहीं रोती है.
The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house. और जो कुक थी और जो गार्डनर था, बूढ़ा गार्डनर, ये लोग दोनों ने सदाव को तब से पाला है जब से सदाव बहुत छोटे थे और अपने फादर के घर में रहते थे. मतलब उसी घर में जब से रहते थे लेकिन बहुत छोटे थे सदाव, उसी समय से इन्होंने उनको पाला है, देखा है, देखभाल की है उसकी. और यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन. और यूमी इतने दिनों से बच्चों के साथ थी तो बच्चों के साथ उसका लगाव हो गया था, इस वजह से वो बच्चों के लिए रो रही थी. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah. और वो इतनी दुखी थी, इतनी ज़्यादा दुखी थी. Grieving का मतलब रोना, दुख प्रकट करना. वो इतनी ज़्यादा रो रही थी कि वो पहले थोड़ी दूर चली जाती है, वापस फिर दौड़ करके वापस आ करके हैना को पकड़ के फिर से रोने लगती है. If the baby misses me too much tonight, send for me. और वो ये बोल कर जाती है कि अगर बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बच्चों को मेरी बहुत ज़्यादा याद आएगी, तो प्लीज़ मेरे लिए बुलावा भेजिएगा. कहने का ये मतलब है कि अगर अब जैसे बच्चे हैं तो वो पूरे टाइम माँ से ज़्यादा समय उस उनके साथ बिता रहे हैं. उनका खाना पीना, उनको नहलाना, साफ़ सफाई, हर एक चीज़ वो नैनी कर रही है. तो देखा जाए तो बच्चों की सेवा कर रही है वो, तो ऑटोमेटिकली बच्चों का अटैचमेंट उनकी नैनी की तरफ बहुत ज़्यादा होता है. और मम्मी है तो मम्मी के पास, मम्मी के साथ तो मदरली लव है ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नानी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है क्योंकि वो ज़्यादा समय उनके साथ बिताती है. बच्चों का है कि जो ज़्यादा समय बिताता है उनके साथ, वो उनके साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, चाहे वो फिर फादर हो, मदर हो, या कोई मेड हो. तो अगर मेड ज़्यादा समय बिता रही है तो मेड के साथ ही उनका ज़्यादा अटैचमेंट होगा. तो यहाँ इसका भी अटैचमेंट उन बच्चों के साथ हो चुका था, इसीलिए ये बोलती है कि अगर बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा मिस करें, उनको मेरी बहुत याद आए, या बच्चे रोए, उनको ऐसी आदत हो जाती है बच्चों की कि वो दूसरे के हाथ से खाना नहीं खाते हैं, दूसरे के हाथ से नहाएंगे नहीं, तो जिसकी आदत है उनको वही चाहिए हमेशा. तो अगर बच्चे उनको मिस करेंगे तो प्लीज़ मेरे लिए बुलावा भेजना. तो एटलीस्ट यूमी इज़ ऑल्सो अ गुड पर्सन जो कि इतना सोच रही है. I am going to my own house and you know where it is. मैं अपने ही घर जा रही हूँ और आपको पता है कि वो मेरा घर कहाँ है. मैं अपने ही घर में वापस जा रही हूँ. अभी तो ये पूरे टाइम यही रहती थी 24/7. तो ये कह रही है कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ और आपको पता है कि मेरा घर कहाँ है. थैंक यू, हैना सेड स्माइलिंग. और हैना उनको थैंक यू बोलती है एक स्माइल के साथ. बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड. लेकिन हैना अपने मन में ये बात ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे कितने भी रोएं, कितना भी रोएं, लेकिन मैं यूमी के लिए बुलावा नहीं भेजूंगी. कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे कितना भी रोएं, ना खाएं, ना सोएं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी मेरी, लेकिन मैं वापस यूमी को नहीं बुलाऊंगी. शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाव हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन. अब दोनों वाइफ हस्बैंड से बच्चों के साथ घर में थे, अब दोनों को एक दूसरे की हेल्प तो करनी ही होगी. तो हैना जो है वो ब्रेकफास्ट बनाती है और सदा बच्चों को रेडी करने में या बच्चों को खिलाने पिलाने में जो भी था उसके साथ हेल्प करते हैं बच्चों के साथ. नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन. अब जैसे कि घर में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई चला जाता है, तो उसके बाद डिस्कशन होता है. अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है तो लोग शांत हो जाते हैं और अपने अपने में ही गुम रहने लगते हैं, उनके दिमाग में वही सब चल रहा होता है तो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं. यहाँ पे भी वही था कि उनका नौकरों को जाना इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया कि वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे. इसलिए नहीं कि वो लोग एक दूसरे से नाराज़ थे, लेकिन उस टॉपिक पे कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था कि वो लोग वहाँ से चले गए हैं. इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हो रही थी, इस फैक्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था. और बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाव. और अभी तो सब कुछ खुद ही करना है क्योंकि नौकर है नहीं, तो हैना ब्रेकफास्ट बनाती है तो प्रिजनर के लिए भी लेकर जाती है और वापस सदाव के पास आ जाती है. वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली दैट वी ऑट टू डू, शी आस्क्ड हिम. जैसे ही वो खाना दे करके वापस आती है, वो सदाव से पूछती है कि हम लोग का जो कर्तव्य है, What is it we cannot see? ऐसा क्या है जो हम लोग नहीं देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, जो बाकी सबको दिखाई दे रहा है, जिसको लोग कह रहे हैं कि ये तुम लोग का कर्तव्य था, तुम लोग को ये करना चाहिए था, वो चीज़ हम लोग को क्यों नहीं दिखाई दे रही है.
आखिर उनको ये नहीं लग रहा है कि ये हमारा कर्तव्य है कि प्रिजनर है कोई भी है चाहे दुश्मन, कर्तव्य तो देश के तरफ कर्तव्य क्या बोल रहा है उनका, बाकी लोगों के हिसाब से देश के लिए कर्तव्य ये है कि अगर दुश्मन है तो उसको या तो मरने के लिए छोड़ दो या तो उसको मार दो या तो उसको पुलिस के हवाले कर दो, देश के प्रति जो कर्तव्य बनता है वो ये कह रहा है। लेकिन इन लोगों का ह्यूमैनिटी क्या कह रहा है कि एक इंसान को क्यों मार दिया जाए अगर उसको बचाया जा सकता है तो, और हम लोग वही किए हैं, ठीक है। अब ये बात, ये सवाल आकर के इससे पूछती है कि बाकी सब को ऐसा लगता है, बाकी सब को ये दिखाई दे रहा है कि हम लोग को क्या करना चाहिए था और जो हमने किया वो गलत है, ये चीज़ हम लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रही है, हम लोग ये चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या था। इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू, इनफैक्ट जो नौकर थे उन लोगों को दिखाई दे रहा था ये बात, साफ साफ दिखाई दे रही थी कि हम लोग को क्या करना चाहिए था, हम लोग को उसको मरता छोड़ देना चाहिए था, यही बात तो बार बार प्रिजनर बोल रहे थे, हम लोग को उसको नहीं बचाना चाहिए था। तो उन लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हम लोग का कर्तव्य क्या है, हम लोग को ये काम करना चाहिए था, ये चीज़ हम लोग को क्यों नहीं दिखाई दी आखिर, जबकि नौकरों को तो दिखाई दे रहा था ये सारा चीज़। Why are we different from other Japanese? हम लोग बाकी जापानीज से अलग क्यों हैं? यही कोई और दूसरा जापानीज होता तो उसने हैंड ओवर कर दिया होता, या तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया होता, या तो वो प्राउड होता कि मैंने एक देश का दुश्मन को, देश के दुश्मन को मैंने मार दिया, तो ये उसके लिए एक प्राउड मोमेंट होता। तो ये सवाल बहुत परेशान कर रहा है हैना को कि आखिर हम लोगों को ये चीज़ दिखाई क्यों नहीं दे रही है कि हम लोग का कर्तव्य, अगर सबके हिसाब से हम लोग का जो कर्तव्य है ये चीज़ हम लोग को क्यों नहीं दिखाई दे रही, हम लोग को क्यों महसूस नहीं हो रही है, नौकरों को दिख रहा है, क्या हम लोग दूसरे जापानीज से अलग हैं? उसके दिमाग में एक्चुअली ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सच में हम लोग अपने दुश्मन को नहीं पहचान पा रहे, क्या सच में हम लोग को अमेरिकन की तरफ सिंपथी है, क्योंकि ये बात तो बोल दिया गया था, सर्वेंट्स तो बोल रहे थे ये बात कि हमारे अमेरिकन्स अमेरिकन में रह करके अमेरिकन्स जैसे हो गए हैं और वो लोग अमेरिकन्स को पसंद करने लगे, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा कि अमेरिकन्स हमारे दुश्मन हैं, है ना। तो ये बात उसके भी मन में कहीं ना कहीं खटक रही है। सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ये सारी बात सुनता है लेकिन कुछ बोलता नहीं, उस बेचारे के पास खुद ही आंसर नहीं, वो क्या बोलेगा, वो खुद ही इतने बड़े दुविधा में है, लेटर टाइप करके और फिर अंदर रख दे रहा है, मतलब लेटर टाइप करने में भी उसको हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि उसको पता है कि जिस इंसान को अभी अभी हम बचाए हैं, जो अभी अभी ठीक हो रहा है, जो इतने दिनों में हमारे घर में इतने अच्छे से रह रहा है, उसको अगर वो 17 साल का है, बस उसको उस पुलिस के हवाले करने का मतलब है कि वो लोग एक सेकंड नहीं सोचेंगे उसको मारने से पहले, क्योंकि चारों तरफ यही तो चल रहा था, मार काट, लड़ाई झगड़ा, डिस्ट्रक्शन, वॉर, बस। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रूस्कली, लेकिन अब सदाव के बर्दाश्त से बाहर हो गई है सारी चीज़ें, सीमा पार हो गया है, लिमिट क्रॉस हो गया है। सदाव थोड़े देर के बाद सोच विचार करने के बाद प्रिजनर के रूम में जाता है, गेट खोलता है और बहुत ही कठोरता से, बेरहमी से ब्रूस्कली, बेरहमी से वो पूछता है, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, कि आज मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो, उठो और खड़े हो, बस 5 मिनट ही लेकिन तुम खड़े हो गए अपने पैर पे, मतलब वो उसको कमांड कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है कि तुम उठो और अपने पैर पे तुमको खड़ा होना पड़ेगा, विच मीन्स कि वो जितनी जल्दी ठीक होगा उतनी जल्दी यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए कि आई टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज तुम अपने पैर पे खड़े हो सकते हो, आई वॉन्ट यू टू स्टे अप, तुम उठो अप ओनली 5 मिनट्स, बस 5 ही मिनट खड़े होना, लेकिन एक एक करके धीरे धीरे करके 5-5 मिनट करके खड़े हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, कल दोबारा ट्राई करना और 10-10 मिनट के लिए ट्राई करना। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, ये बहुत ज़रूरी है कि तुम ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी जल्दी तुम, जितना ज़्यादा तुम ऐसा करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा स्ट्रेंथ वापस आएगा, तुम्हें तुम में ताकत आएगी, तुम्हें उठने की, बैठने की, खड़े रहने की, चलने की ताकत वापस आएगी। तो जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, 5-5 मिनट से शुरू करो, अगले दिन 10-10 मिनट करना, ट्वाइस करना, बार बार करना, और ट्वाइस मीन्स दोबारा दुगना कर देना उसका, 5 का 10 कर देना, फिर धीरे धीरे करके, मतलब अपना टाइमिंग बढ़ाते जाओ, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को वापस गैदर कर पाओगे, इकट्ठा कर पाओगे, अपनी हिम्मत ला पाओगे कि तुम चल फिर सको। और ये गुस्से में बोल रहा है, एकदम
बेरहमी के साथ, क्रूरता के साथ बोल रहा है वो, क्योंकि आज खुद ही वो मना किया था 2 दिन पहले कि तुम उठना नहीं, तुम ऐसे उठोगे तो तुम मर जाओगे, और आज वो खुद ही बोल रहा है उठने के लिए. ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वॉज स्टिल वेरी पेल. और जैसे ही सदाव अचानक से रूम में ऐसे घुस करके उसको ऑर्डर देता है और ऐसे ऐसे बोलता है, तो वो बच्चा जो है, सॉरी, जो प्रिजनर है वो डर जाता है. उसके चेहरे पे टेरर दिखाई देता है, खौफ दिखाई देता है, फ्लिकर ऑफ टेरर, यानी कि एक खौफ दिखाई देता है अचानक से. और उसका चेहरा बेचारे का पहले ही अभी बहुत वीक है, एकदम बदरंग है, उसके रंग उड़ा हुआ है उसके चेहरे का, उसके चेहरे का रंग और उड़ जाता है. ऐसे तो अभी वीक है, वो कमज़ोर है, उतना ब्लड लॉस हो गया उसके वजह से, तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था ही. और जब ये ऐसे घुस करके और उसको ऑर्डर देता है, डराता है, तो उसके चेहरे का रंग और उड़ जाता है और डर जाता है. ओके द बॉय मर्मर्ड, बॉय जो है वो लड़का, वो बड़बड़ाते हुए धीरे से बोलता है ओके. Evidently he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. और ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़बड़ा रहा था, तो उसके चेहरे से या उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ और भी बोलना चाहता है. तो वो बोलता है Evidently he was determined to say more. Evidently मतलब बहुत जाहिर था कि वो कुछ और भी बोलना चाह रहा है. Determined मतलब दृढ़ था. एविडेंटली मतलब प्रत्यक्ष था कि वो कुछ बोलने की कोशिश करना चाहता है, वो बोल के रहेगा. तो कहता है कि थैंक यू डॉक्टर, और सदाव को थैंक यू बोलता है. आई फील आई ऑट टू थैंक यू, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए और बोलना ही चाहिए, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए शुक्रिया डॉक्टर. डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली. और सदाव बहुत ही निष्ठुर होकर के बिना किसी इमोशन के साथ बोलता है कि अभी मुझे थैंक करने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए थैंक करने की ज़रूरत करने के लिए मना कर देता है कि तो वही बात होगी ना, पहले जान बचाओ और उसके बाद प्रिजनर को दे दोगे तो, सॉरी, पुलिस को दे दोगे तो मार ही देगा, तो फिर जान बचाने का क्या फ़ायदा, तो थैंक यू क्यों बोल रहा हो. तो इसीलिए एकदम कोल्डली, एकदम निष्ठुर होकर के कहता है कि मुझे कोई थैंक करने की ज़रूरत नहीं है, और अभी तो बिल्कुल ही नहीं. ही सॉ द, सॉरी, हाँ, ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आईज. टेरर और टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स. और उसके चेहरे पे वो डर वापस से दौड़ गया जब वो बोला कि मुझे अभी थैंक करने की, इतनी जल्दी मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है. तो उस लड़के को जल्दी एकदम फटाक से उसके दिमाग में यही आया कि ये लोग मेरे साथ कुछ करने वाले हैं, मुझे बचाया तो है लेकिन ये लोग मुझे सौंप देंगे, मुझे हैंड ओवर कर देंगे, ये लोग मेरे साथ कुछ गलत बुरा करने वाले हैं. ये बात उसको लग गई और उसके चेहरे का रंग फिर से उड़ गया, उसके चेहरे पे वो खौफ फिर से दिखाई देने लगा. और ऐसा था कि उसके चेहरे पे जो डर था वो ऐसा था कि जैसे एक जानवर को आप खदेड़ते हो, एक जानवर को जब डराते हो तो उसके चेहरे पे कैसा होता है, वैसा अनमिस्टेकेबली, यानी कि बिना किसी गलती के एकदम, जैसे किसी जानवर को अगर आप डराओ तो उसके चेहरे पे जैसा टेरर आ जाता है, डर आ जाता है, वैसा था वो. The scars on his neck were crimson for a moment. और आप, वो तो ऑलरेडी गोरा है और गोरे होने की वजह से जब वो डर रहा था तो उसके चेहरे पे, उसके चेहरे का रंग क्या हो जा रहा था, बार बार उड़ जा रहा था. उसके गले में कुछ निशान थे, स्कार था, तो वो क्या हो गया और क्रिम्सन हो गया, यानी डार्क रेड कलर का हो गया. क्रिम्सन मीन्स डार्क रेड कलर का धब्बा. और क्योंकि वो डर की वजह से उसके नस वस जो होता है वो टाइट हो जाता है, वेंस टाइट हो जाता है, तो टाइट होने की वजह से वो जो स्कार था और ही ज़्यादा डार्क दिखने लगा. दो स्कार्स, व्हाट आर दे, सदाव डिड नॉट आस्क. और सदाव जैसे अपने मन में सोचता है कि दो स्कार्स, वो जो दाग था वो उसको दिखाई तो दे रहा है, और सदाव पूछना चाहता था कि आखिर वो दाग आया कहाँ से, वो निशान उसके गले में आया कहाँ से, लेकिन वो पूछता नहीं है क्योंकि उसको फिर से पता है, अगेन उसके दिमाग में ये आता है कि उससे पूछने का मतलब है वो एक इंसिडेंट डिस्क्राइब करेगा, उस इंसिडेंट को बताने का मतलब है कि वो ये बताएगा कि उसको किस तरीके से टॉर्चर किया गया है. और वो जब टॉर्चर सुनेगा तो ऑब्वियसली उस प्रिजनर के लिए सिंपथी जागेगी सदाव के मन में, अटैचमेंट होगा, और वो ये अटैचमेंट नहीं चाहता था, इसीलिए वो बार बार मना कर रहा है
कि नहीं मुझे अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, या वो कुछ भी जानना नहीं चाहता है उस प्रिजनर के बारे में, कुछ भी नहीं जानना चाहता है। जितना पूछ रहे हैं उतना बताओ, ठीक हो नहीं हो, ये काम बोले हैं करने के लिए ये काम करो, गेट अप, प्रैक्टिस, गैदर योर स्ट्रेंथ, दैट्स इट। ठीक हुए नहीं हुए, दर्द हो रहा है, हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा सदाओ डज नॉट वॉन्ट टू आस्क एंड नो एनी थिंग बिकॉज ही इज़ अफ्रेड ऑफ गेटिंग अटैच विद द प्रिजनर। Now we'll find out what happens next in the chapter in the next lecture. Thank you.